हाँ यह 100% सुरक्षित है। जाहिर है आपको सावधान रहना होगा और खतरनाक तकनीकों से बचना होगा। अध्ययनों से पता चला है कि ज्यादातर पुरुष लिंग वृद्धि में रुचि रखते हैं। वास्तव में इन अध्ययनों से पता चलता है कि अधिकांश पुरुष अपने लिंग की लंबाई या अपने यौन प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं है। वे खड़े लिंग की दृढ़ता से भी असंतुष्ट हैं, लेकिन वे अपने डॉक्टर से इस बारे में बात करने को तैयार नहीं है कि उन्हें क्या समस्या है। कई पुरुषों का मानना है कि उनका लिंग इतना बड़ा नहीं है कि वे अपने प्रेमी को संतुष्ट कर सकें। यह प्यार करते समय आत्मविश्वास की समग्र कमी की ओर जाता है और आत्मविश्वास की यह कमी अक्सर एक नर्म निर्माण की ओर ले जाती है, जो अक्सर अपर्याप्तता की भावनाओं को जन्म देकर समस्या को खिलाती है। यह रिश्ते की समस्याओं को भी जन्म दे सकता है क्योंकि ये भावनाएं जड़ और गहरी होती हैं। यह महसूस करना कि आप एक असंतोषजनक प्रेमी हैं, यौन संबंध बनाने की इच्छा की कमी की ओर जाता है, जिसे आपके जीवन में महिला यौन अस्वीकृति के रूप में व्याख्या कर सकती है। इससे सेक्स और रिश्ते के बारे में और गलतफहमी हो सकती है और अक्सर जोड़ों के बीच गंभीर समस्याएं होती हैं। वयस्क मनोरंजन उद्योग लिंग वृद्धि के लिए उत्पादों और कार्यक्रमों के विज्ञापनों से भरा हुआ है। उत्पादों में गोलियां, क्रीम और स्प्रे शामिल हैं जो दावा करते हैं कि वे लिंग वृद्धि का कारण बनेंगे। ये दावे वैज्ञानिक से लेकर अपमानजनक तक हैं। नीचे हम लिंग वृद्धि के तरीकों के बारे में बात करते हैं जो काम नहीं करते हैं। एनलार्जमेंट क्रीम्स। पिछले कुछ वर्षों में ऐसी क्रीमों के विज्ञापन सामने आ रहे हैं जो दावा करते हैं कि वे लिंग को बड़ा कर देंगे नियमित उपयोग के साथ। क्या वे कार्य करते हैं? चिकित्सा साक्ष्य ने प्रदर्शित किया है कि क्षेत्र में रक्त के प्रवाह को बढ़ाने के अलावा कोई भी सामयिक तैयारी आपके लिए अधिक कुछ नहीं कर सकती है, जो अन्य कार्यक्रमों में सहायता कर सकती है और इरेक्शन दृढ़ता में भी सहायता कर सकती है, लेकिन ये तैयारी वास्तविक लिंग वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए अपने आप कुछ नहीं कर सकती है। पेनिस पंप्स। लिंग वृद्धि के लिए विज्ञापित सबसे आम उत्पादों में से एक लिंग पंप है। इसे इंटरनेट पर, वयस्क किताबों की दुकानों और पत्रिकाओं में और यहां तक कि दवा की दुकानों में भी बिक्री पर देखा जा सकता है। पंप लिंग के चारों ओर एक वैक्यूम बनाकर और ऊतक में रक्त लाकर काम करते हैं। यह बेहद खराब परिसंचरण वाले पुरुषों को इरेक्शन होने में मदद कर सकता है। कोई वास्तविक चिकित्सा प्रमाण नहीं है कि लिंग पंप लिंग के आकार में कोई वास्तविक वृद्धि का कारण बनता है। कुछ पुरुषों को यह भी लग सकता है कि यदि वे समय की अवधि में लिंग पंप का उपयोग करते हैं तो वे पंप का उपयोग किए बिना इरेक्शन प्राप्त करने में असमर्थ होंगे। यूजिंग वेट्स। पुरुषों ने सैकड़ों वर्षों से लिंग वृद्धि की इस पद्धति का उपयोग किया है। मूल रूप से आप इसे फैलाने के लिए अपने लिंग से वजन लटकाते हैं। कई प्राचीन और आदिवासी लोग इस पद्धति का अभ्यास करते थे। क्या यह काम करता है? समय के साथ, नियमित उपयोग के साथ आप इस पद्धति का उपयोग करके अधिक लंबाई प्राप्त कर सकते हैं। कमियों में एक पतला लिंग शामिल है और खिंचाव वाले ऊतक के कारण अक्सर एक निर्माण को प्राप्त करने और बनाए रखने की क्षमता कम होती है। इस विधि से लिंग में रक्त संचार भी कम हो सकता है, जिससे ऊतक क्षति सहित गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। एनलार्जमेंट सर्जरी। सर्जरी एक बड़ा कदम है और एक महंगा कदम है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे संक्रमण जैसी गंभीर जटिलताएं हो सकती हैं। यह निशान ऊतक के गठन को भी जन्म दे सकता है, जो एक गलत लिंग का कारण बन सकता है। लिंग वृद्धि सर्जरी के एक सामान्य रूप में आपके शरीर की चर्बी लेना और लिंग में थोड़ी मात्रा में इंजेक्शन लगाना शामिल है। इससे लंबाई में महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं होता है, हालांकि यह परिधि में अंतर ला सकता है। कुछ पुरुषों के लिंग के शीर्ष पर संयोजी ऊतक होता है, जो वास्तव में लिंग को बड़ा नहीं करता है, लेकिन यह शरीर से और बाहर निकलने का कारण बनता है। बेशक कम समर्थन होने पर आपका लिंग आपके शरीर से उतना दूर नहीं खड़ा होगा जितना कि सर्जरी से पहले था। पेनिस सर्जरी से इरेक्शन पाने की आपकी क्षमता या उस इरेक्शन की मजबूती में कोई बदलाव नहीं आता है। यह लिंग में रक्त प्रवाह के कारण होता है। एनलार्जमेंट पिल्स। इनमें से 99% चीर फाड़ की गोलियां हैं, जो विटामिन की गोलियों से ज्यादा कुछ नहीं है। कुछ काम करती हैं, लेकिन सावधान रहें कि आप कौन सी हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लिखे कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसे ही जानकारी भरी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि जब भी हमारी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिले।